एक भारतीय ने बनाया लीफी, अब पलक झपकते ही डाउनलोड हो जाएगी पूरी फिल्म। लाइफ हाई बनाने वाले हिंदुस्तानी स्टार्टअप कंपनी वेलमेनी के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ दीपक सोलंकी बताते हैं कि उनकी कंपनी एस्टोनिया में पंजीकृत है। उन्होंने लाइफ हाई तकनीक का प्रायोगिक परीक्षण एस्टोनिया के टालिन में किया है। दीपक कहते हैं कि लाइफ हाई तकनीक 3 से 4 साल में आम आदमी की पहुंच में होगी। दीपक की कंपनी के सभी कर्मचारी भारतीय हैं, लेकिन इस तकनीक के लिए उन्हें भारत में कोई निवेशक नहीं मिला। दीपक कहते हैं, भारत में किसी को भी इस तकनीक के सच होने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह तकनीक कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं के लिए रामबाण साबित हो सकती है। दीपक बताते हैं कि लाइफ हाई चलाने के लिए आपको बस बिजली का एक स्रोत जैसे एलईडी बल्ब, इंटरनेट कनेक्शन और एक फोटो डिटेक्टर चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि एक बल्ब के जरिए वाईफाई से 100 गुना तेज डेटा ट्रांसफर कैसे संभव है। दीपक बताते हैं, सैद्धांतिक तौर पर यह रफ्तार 224 गीगाबिट प्रति सेकेंड तक हो सकती है। दीपक ने लाइफाई का परीक्षण एक ऑफिस में किया ताकि लोग इंटरनेट चला सके। फिर इसे एक औद्योगिक इलाके में भी इसका परीक्षण हुआ, जहां इसने स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशन मुहैया कराया। अपने परीक्षणों में दीपक की कंपनी वेलमेनी ने 1 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की रफ्तार से डेटा भेजने के लिए एक लाइफाई बल्ब का इस्तेमाल किया था। दीपक का कहना है कि उनकी इस तकनीक को मोबाइल में एक डिवाइस लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में यह डिवाइस हर मोबाइल में लगी मिलेगी। जहां रेडियो तरंगों के लिए स्पेक्ट्रम की सीमा है, वहीं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम 10,000 गुना ज्यादा व्यापक है। इसका मतलब यह है कि इसकी निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं है। इसमें सूचना को लाइट पल्सेज में इनकोड किया जा सकता है। यह वैसा ही है जैसे रिमोट कंट्रोल में होता है। लाइफ आई शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एडिनबरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेराल्ड हास ने किया था। उन्होंने साल 2011 में टेड टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिजाइन कॉन्फ्रेंस में इसका प्रदर्शन किया था। उन्होंने एलईडी बल्ब से वीडियो भेजकर दिखाया था। प्रोफेसर हेराल्ड हास की प्रस्तुति को करीब 20,00,000 बार देखा जा चुका है। वैसे वाईफाई से इतर लाइफाई के कुछ चुनिंदा फायदे और नुकसान भी हैं। वाईफाई की तरह लाइफाई दूसरे रेडियो सिग्नल में खलल नहीं डालता। इसी वजह से लाइफाई का इस्तेमाल विमानों और दूसरे ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है। संकर शहरी इलाकों या अस्पताल जैसी जगहों पर जहां वाईफाई सुरक्षित नहीं है, वहां लाइफाई का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के हो सकता है। बात लाइफाई की मुश्किलों की करें तो यह धूप में काम नहीं कर पाता। सूरज की किरणें इसके सिग्नल में दखल देती हैं। यह एक तकनीक वाईफाई की तरह किसी दीवार के उस पार डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती।